तो जी देखिए, आज भाई जो संगत जी घोड़े खच्चर आने का यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब में इंतज़ार कर रहे थे, उनका आज इंतज़ार ख़त्म हुआ। 22 जून 2024 से घोड़े खच्चर चलने लग। कैसी रही यात्रा? बहुत, रही बहुत बढ़िया, बढ़िया रही। पैदल आए बच्चे? पैदल। अच्छा, पूरी फैमिली आ रखी है? और भी आ रखे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, पैदल करिए आपने भी? अच्छा। और भैया की ना वीडियो बहुत बढ़िया लगती है, वो भैया के सारे जो बताते हैं कि ना वीडियो कैसे जैसे जैसे आना सब पता चलता है, इन्फॉर्मेशन सब पता चलता है। तो भाई वीर जी ना, एक 1990 में जब दादाजी सेवा करने के बाद अपने घर पे रहते थे, तो देखे जो वीर जी सामने दिख रहे हैं येल्लो ड्रेस में, यहाँ भी येल्लो ड्रेस पहनी है। देखो यार, संगत जी कितने प्यार से ना फोटो खिंचा रही है बैठ करके। आज अनोखा ही दिन देखने को मिला यार, बहुत सारी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आपका स्वागत प्रणाम है श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से। सुबह का दृश्य कुछ ऐसा है, लगभग 8:30 बजे का, संगत जी पहुंच गई है। और सबसे पहले मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को मेरी पीरी के मालिक छठे गुरु संत सिपाही गुरु हर गोविंद गुरु पर्व की शुभकामनाएं मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर को एक बार। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ ये कि जैसे मैंने गुरु अर्जन देव जी के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले करके आपको डिटेल्ड में बताने की कोशिश करी थी। आप जानते हो मेरी कुछ दिनों से तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं, पर मेरी इच्छा पूरी है, मैं कुछ ना कुछ लेखन निकालूंगा, राइट अप निकालूंगा और गुरु हरगोविंद साहिब जी के बारे में भी आपको बताने की इच्छा रखूँगा। सिख सब्सक्राइबर तो जानते ही होंगे, जो मेरे नॉन सिख सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी। तो मैं आने वाले वीडियो या परसों वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में, जो प्रकाश पर्व है उस दिवस के बारे में आप सभी लोगों को बताऊँ। थोड़ा लेट हो जाएगा बट माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत इतना साथ नहीं दे रही थी तो मैं राइट अप लिख नहीं पाया। बाकी कुछ ऐसा मौसम है दोस्तों, और आज खुशखबरी हमारे प्यारे संगतों के लिए, क्योंकि जो है घोड़े खच्चर भी श्री हेमकुंड साहिब गोविंद धाम से पहुँच चुके हैं, आने लग गए हैं, आज से शुरू हो चुका है 22 जून 2024 से। तो जी देखिए, आज भाई जो संगत जी घोड़े खच्चर आने का यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब में इंतज़ार कर रहे थे, उनका आज इंतज़ार ख़त्म हुआ। 22 जून 2024 से घोड़े खच्चर चलने लग गए हैं गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब तक। देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है अभी घोड़े खच्चरों की, बट अभी धीरे धीरे जगह बन जाएगी, उधर उधर स्टे करेंगे। देखिए तो संगत जी ना अब जल्दी पहुँच रही है, 6:30-7 बजे तक पहुँच जा रही है। देखिए कितनी सारी घोड़े हैं, इतने ऑलरेडी सोचिए इतने संगत आ गए होंगे, और बाकी कुछ कुछ पैदल आ रहे हैं स्टेयर से, तो आज भी काफ़ी मात्रा में है। ठीक है, ये देखें मौसम भी बढ़िया है। देखो संगत जी, थोड़ी सी बर्फ़ यहाँ पे ये हट जाएगी, बाकी घोड़ा पड़ाव यहाँ पे भी बनाया हुआ है, उधर भी बनाया हुआ है। ਉਹ ਸਭੀ ਸਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। दोस्तों आज दरबार साहिब में गुरु हरगोविंद साहिब जी का जो है उनके ऊपर पूरा आज का दिन समर्पित है, सारी संगत इसलिए आज काफ़ी मात्रा में आई हुई है गुरु हरगोविंद साहिब जी के गुरु पर्व के लिए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी संगत है, अंदर बैठी है, ध्यान मग्न हो रखी होंगी और गुरु जी को याद कर रहे होंगे। सभी के लिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सभी आज गुरु जी के बहुत बातें, बहुत सीख जो हम मानवता के लिए उन्होंने संदेश छोड़ा होगा तो वो रखा होगा। बाकी मैं परसों आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, तो इंतज़ार करिएगा। पर तो भाई आज के दिन भी ना
थोड़ी सी ज़्यादा संगत इसलिए लग रही है क्योंकि घोड़े ही आ रखे हैं 250-300 घोड़े, उसमें से संगत और उसमें से घोड़े खच्चर वाले भी यहाँ पे दरबार साहब में दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज के दिन शुभ दिन, अच्छे शुभ दिन जो है घोड़े खच्चर का आने का समय हुआ, तो सभी अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। घोड़े खच्चर वाले इधर भी मिले, हमारे लोकल भाई लोग उधर भी मिले, तो सब जगह मिल रहे हैं। तो अच्छा मौसम आज के दिन हो रखा है, बादलों में पैटर्न भी खूबसूरत से प्यारे से बने हुए हैं। और थोड़ा हम यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई गद्दा बिछा करके, ताकि अभी अरदास होगी तो हम यहाँ से सुनेंगे भी, और साथ साथ थोड़ा सा धूप सेक ले आए, धूप भी जरूरी है। तो जी आज देखिए अपने घोड़े खच्चर वाले साथी आ रखे हैं, जो कि घोड़े खच्चर लेके आए होंगे। ये देखिए आज उनके पहले दर्शन हो रहे होंगे दरबार साहब मंदिर के पास। ये देखो सब लोग आ रखे हैं यहाँ पे दर्शन करने, काफी ज्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं। तो जी आज शुभ दिन के दिन यहाँ पे हमारे बहुत सारे YouTube फैमिली भी आए हुए हैं। आज गुरु हरगोविंद साहिब जी का गुरु पर्व भी है ना, तभी आए होंगे आज? नहीं नहीं, हम तो पहले मेरी ससु गुजर गई थी। अच्छा, इस घर के आयो साथ ही आए हुए हैं, वीर जी लोग आए हुए हैं तो यहीं पे मिलने के लिए। कैसे रही यात्रा? बढ़िया रही। कल भी देखा तुम्हारा ब्लॉग, पैदल आए? हाँ, वहाँ से पैदल आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, अभी जाने की तैयारी हो? मैं जा रही हूँ। बढ़िया दर्शन हुए ना? हाँ, दर्शन हो गए। चलो ऐसे ही आते रहे। और वीर जी देखो चश्मा लेके आ गए। महीना हो गया इसको। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, प्यार तो प्यार होता है। थैंक यू जरूर पहनेंगे इसको। थैंक यू वीर जी, मिलते रहे, मम्मी पापा को सबको पढ़ना। थैंक यू। तो भाई आज शुभ दिन में गुरु पर्व के दिन बहुत सारी संगत आई हुई हैं, और इस पवित्र स्थान पे तो वीर जी भी आए हैं गाजियाबाद से, पूरी फैमिली आई है, जॉइंट फैमिली। तो कैसे रही सर यात्रा आपकी? बहुत बढ़िया रही जी, बहुत बढ़िया। आपका ब्लॉग देख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं जी, और आपको बहुत मिस कर रहे थे कि हमें आज दर्शन करके जाए। गुरुवारे भी दर्शन किए पहले, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आपका इस तरह ही संतोष सागत प्यार बना रहे। आप इस तरह वीडियो डालते रहे और संगता उत्साहित होकर यहाँ दर्शन के लिए आती रहे। हाँ, बाकी रास्ता बढ़िया था? रास्ता बहुत बढ़िया। आज मेरी सातवीं यात्रा है ये। अच्छा। और सातवीं यात्रा में सबसे बढ़िया दर्शन, खुले दर्शन आए हैं। पिछली बार मैम आई थी लेकिन तबीयत खराब हो गई थी, इस बार ठीक लग रहे हो? बाकी सब पैदल आए? बाकी सब पैदल। अरे वाह, ये बहुत अच्छा। आपसे मिल लिए बहुत खुशी, मिल लिए और अच्छे हो गए। आप इस तरह संगत का सहयोग बढ़ाते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है संगत जी आए और उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले यात्रा। संगतों के लिए कहता हूँ यहाँ आए, मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम खुला हुआ है, बर्फ नहीं है, और बहुत जल्दी संगत यहाँ पहुँच रही है। हाँ जी, आज तो घोड़े भी चलने शुरू हो गए, घोड़े भी ऊपर तक आ गए हैं। हाँ जी, सर्व सात संगत से निवेदन है, विनती है, यहाँ आकर दर्शन करें, जरूर आए। तो जी यहाँ पे बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं अपने भाई लोग, केदारनाथ आए हैं, तुंगनाथ और कल्पेश्वर, सब जगह देख करके आए हुए हैं। अब यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब पहुँचे, तो पहली बार आए हैं तो कैसा लग रहा है? ये हमारे को बहुत अच्छा लगा, और भी आपसे मिल गए बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया हमारा। हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप। थैंक यू। और भैया की ना वीडियो बहुत बढ़िया लगती है, और भैया के सारे जो बताते हैं कि ना वीडियो कैसे जैसे जैसे आना सब पता चलता है, इन्फॉर्मेशन सब पता जाती है। हाँ। क्या हो रहा है कि आज बारिश है, मौसम खराब है, जैसे भी है। भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, भैया भी बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो जी यहाँ पे अपने फिर से संगत जी बहुत सारे आ गए हैं। आज के दिन तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ संगत जी है, क्योंकि गुरु पर्व का टाइम है तो पूरी फैमिली आई हुई है, और वहाँ से मैम लोग भी। कैसी रही यात्रा? रही बहुत बढ़िया, बढ़िया रही। पैदल आए बच्चे? पैदल। अच्छा, पूरी फैमिली आ रखी है? और भी आ रखे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, पैदल करी आपने भी? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आज शुभ दिन था, गुरु पर्व था, सभी को मुबारक बहुत बहुत। आते रहे हर साल और कृपा बनाते रहे बाबा जी। थैंक यू। देखो यार संगत जी कितने प्यार से ना फोटो खिंचा रही है बैठ करके। आज अनोखा ही दिन देखने को मिला यार, बहुत सारी संगत है उधर भी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी यहाँ पे देखो मैम लोग भी आ गए हैं, और आज इनकी किस्मत अच्छी रही कि मैम एक महीने से पूछती थी घोड़े खच्चर कब आएंगे। तो आज किस्मत देखो, आज गुरु पर्व भी है, घोड़े खच्चर भी आ गया, और बहुत सारी संगत है।
और हमने गौरव को पूछा था अभी 3-4 दिन पहले कि घोड़े खच्चर आने शुरू हुए, हम लोग आ रहे हैं, तो गौरव ने इन्फॉर्म किया था कि शायद शुरू हो जाएंगे जल्दी से, 2-3 दिन पहले तो स्टार्ट हो गए और आज हम लोग ऊपर आए, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं और हम लोग सारी फैमिली आए और बहुत सारे लोग मिलकर जा चुके हैं गौरव से। प्लीज गौरव के ब्लॉग जरूर देखो, वीडियो कॉल भी कराइए और जरूर देखो गौरव के ब्लॉग, गौरव को जरूर सब्सक्राइब करो, बहुत 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 अच्छा बनता है सीरियसली, बहुत अच्छा। बस इन्फॉर्मेशन और हेल्प मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी मतलब आप इतना अपडेट रहता है कि नीचे तक का अपडेट मिल जाता है धीरे-धीरे करते-करते। वो मुन्ना से शो में पता लग रहा था पूरा ग्लेशियर काफी ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। लास्ट ईयर हम लास्ट ईयर में प्लान करते रहे लेकिन हम देख के हिम्मत नहीं कर पाए, इस बार कर दी, बहुत ज्यादा बर्फ थी, बहुत ज्यादा हम देख रहे थे। और आज शुभ दिन में आप आए गुरु पर्व में, बहुत अच्छे दिन आए, तभी इतनी संगत भी बहुत अच्छा, संगत को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पे देखो अपने छोटे से प्यारे सब्सक्राइबर आए, क्या नाम है बेटा? मंसीरत। मंसीरत पैदल तो नहीं आए होंगे? नहीं नहीं, आज घोड़े आ गए, अच्छी बात होगी। तो संगत टाइम से पहुंची आज और टाइम से आई है, पूरी फैमिली आई हुई है। हाँ जी, बाकी यात्रा बढ़िया रही? बहुत बढ़िया रही है। सबसे अच्छा स्पेशल थैंक्स है पीटीसी को और आपके व्लॉग्स को, क्योंकि आपके व्लॉग से हमें जो रीसेंट अपडेट्स होती है ना वही मिलती है हमेशा। अच्छा। मैं तो फंस गई थी परसों, तो घबरा गई थी। हाँ। मैं तो गौरव भैया से पूछूंगी उनके व्लॉग कैसा है, बहुत अच्छा, बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू भैया, थैंक यू मैम। और दर्शन हो गए बढ़िया? बिल्कुल, बहुत। आज गुरु पर्व की शुभकामनाएं सभी को। जी आपको भी, थैंक यू, थैंक यू मैम। ठीक है मैम, मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। तो जी बाहर पे कोहरा हो गया और दूसरी अरदास चल रही है और यहाँ पे ताऊ जी ना खाना बना रहे हैं। देखिए अब दिन में खाना होता है इनका रोटी और सब्जी, दिन में ताऊ जी बनाते हैं और शाम को बनाते हैं पंडित जी, पुजारी जी, कभी कभी हेल्प कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है बट तब भी। देखो किचन कुछ ऐसा है ताऊ जी और का। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी जानकारी है जो हमारे एक बुजुर्ग सब्सक्राइबर थे कल, तो उन्होंने बातचीत में कहा था, उन्होंने ये, तो मैं उनकी बात सभी संगतों को पहुंचाना चाहता हूं कि ये है कि अगर आपके मेडिसिन चल रही है, आपको कोई बीमारी है, तो जैसे गोविंद धाम में गोविंद घाट में आते हो ना, अपना सामान अपनी जेब में डाले, छोटी सी दवाइयों की पुड़िया होती है वो अपने साथ ही जेब में रख के चले, अगर रास्ते में जरूरत होगी आप खा सकते हैं उन दवाइयों को। अगर आप कांडी में दे दोगे फिर आपको बादी में मिलेगा, बीच में तबीयत खराब होगी तो क्या करोगे, और घोड़े में दे दोगे है ना, तो जो दवाइयों की कुछ भी मेडिसिन रहेगी वो अपने जेब में पर्स में आप रख सकते हो, अपने छोटे से बैग में, जिसको अपने साथ ही रखना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो दवाई ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बाकी देखिए अभी सरोवर पूरा ढक गया है, कोहरा लगा है, मौसम तो क्लियर है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोहरे से देखो पूरा सरोवर ढक गया। अभी ये भी क्लियर होगा फिर दूसरा कोहरा आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो सबसे पहले आज सारे अपने युवा भाई लोगों को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरा दिन समर्पित है और बहुत सारी संगत जिस सुबह से मिल रही है इस पावन दिन के। और कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया, मौसम देखो कितना खुल गया है, बिल्कुल। आज अरदास और जो हम सुन रहे थे कीर्तन वगैरह बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा, बहुत आनंद है, सही बात। पैदल आए आप लोग? अभी जल्दी हो रही है आप लोगों को जाने की, किसको हो रही है? चलो चलो, हाँ जी हाँ जी। बाकी वीर जी ने भी वीडियो बनाई अपनी, आपका चैनल है क्या? आपका क्या चैनल है? अनमोल प्रिंट के नाम वैसे तो अनमोल कहेंगे, अपना नाम का चैनल लगा अनमोल कहेंगे। तो भाई वीर जी को सपोर्ट करना, इन्होंने वीडियोस भी बनाई बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपने जानकारी भी प्रोवाइड की होगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा वीर जी, थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो जी अभी मौसम हो गया एकदम से खुल गया है, जो है अरदास समाप्ति हुई, गुरु हर को प्रकाश यात्रा लाया, गौरव का जो चैनल है बहुत अच्छा है, सानू बड़ी दर्शन करन दा हेमकुंड साहिब दे, इहनू वध तों वध शेयर करो ते अपना सबसक्राइब करो, ते महाराज जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इहनू चढ़दी कला च रखण, इहनू तरक्कियां बख्शन महाराज, ते सारी संगत नूं लौसमेंट है जी, सारी संगत हेमकुंड साहिब दर्शन मिला करो, अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बड़े प्यारे, बहुत बड़े दर्शन, रास्ता बढ़िया है और अच्छी तरह से आया, कोई दिक्कत नहीं। आज तो घोड़े भी चलने लगे, हां जी घोड़े भी आ रहे हैं पूरे पूरे, और साथ में वीर जी के यहां पे बेटे आए हुए हैं, ये देखो गगनदीप सिंह आए हैं, गगनदीप सिंह जी, थोड़ा कैमरा शाही है तो कैमरे में आने से थोड़ा सुशर्माता है। मैं चाहता हूँ जी गौरव को अच्छे से अच्छे आप लाइक करो जरूर,
बाकी मैम को भी थैंक यू सो मच जिन्होंने आपको फोन किया बहुत सारी बार, दादाजी की पिक्चर भी लेके आए। बाकी गुरु महाराज जी ऐसी सेवा हमें देते रहे और आप संगतों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, उससे बड़ी बात हमें कोई नहीं। बोले सोने हाल। तो भाई वीर जी ना एक 1990 में जब दादाजी सेवा करने के बाद अपने घर पे रहते थे, तो देखिए जो वीर जी सामने दिख रहे हैं येलो ड्रेस में, यहाँ भी येलो ड्रेस पहनी है बगल में, तो दादाजी की पुरानी फ़ोटो लाई जो संगत बहुत संगतों के पास फोटोज़ हैं। थैंक यू सो मच और ऐसे ही सभी का आशीर्वाद रहे। थैंक यू वीर जी। थैंक यू। तो जी अब संगत जी टाइम से निकल रही है, लगभग 2:30 हो चुके हैं। भाई जी कैसे हो? बढ़िया। कभी धूप कभी छाव दिख रही है यहाँ पे, अभी कोहरा बिल्कुल सामने से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे देखो संगत जी रवाना हो रही है, बाकी देखो कोहरा पूरा उधर से आएगा, सरोवर को कवर करेंगे। अभी तक धूप थी अच्छी खासी। तो जी आज घोड़े खच्चर आए थे तो संगत जी जल्दी रवाना हो पा रही हैं, जल्दी जा पा रहे हैं, जल्दी गोविंद धाम, तो ये आज अच्छी बात हो गई है। 22 जून 2024 से घोड़ों की भी शक्ल हमने देखी नहीं बेचारों की, कितने दिनों से। हेलो कैसे हो भाई? देखो भाई संगत जी रवाना हो गई है, हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है, बाकी मौसम बहुत बढ़िया है, जन्नत ये देखो। तो जी अभी देखो मौसम कुछ ऐसा है, लगभग 3:30 बज चुके हैं, खूबसूरत सा प्यारा सा आज, बहुत अच्छा लगा भाई संगतों से मिल करके। साथ साथ आज गुरु पर्व था तो बहुत ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि अंदर जो पाठ हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, वो सुनने में मुझे बहुत आनंद आया। कैप्चर नहीं हो पाता मोबाइल से आपको मालूम है, क्योंकि यहीं से अलाव होता है, यहाँ से साउंड इतनी क्लियर नहीं आती, बट आज बड़ा सुकून मिला और शांति मिली। बस ऐसे ही भगवान प्रभु वाहिगुरु जी और गुरु हरगोविंद साहिब जी जो है सब पे कृपा बनाए रखें, सबके कष्टों को हरे, और जो उन्होंने ज्ञान की बातें हमारे लिए छोड़ी है हमें ज़रूर उनका अनुसरण, अपने गुरुओं का अनुसरण, जो कुछ भी बताते हैं वो हमें उनका पालन करना अति आवश्यक है। तो कुछ यही है आज, कई चीज़ें हम जब इस धार्मिक स्थान से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आए, मत्था टेका, दर्शन किया, फ़ोटो खिंचाई और चले गए, ऐसा नहीं है। आपको आना है दिल से, और यहाँ इस पवित्र धाम से कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखनी है गुरु महाराज जी की, कुछ एक ही बातें अगर आप सीखते हो, अपने जीवन भर अमल करते हो, उसको लेकर के चलते हो, तो वो सबसे बड़ी गुरु की आपके आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा। तो ये चीज़ें हमें सारे भक्तों संगतों को समझनी भी चाहिए। यहाँ पर आ रहे हो, कुछ बुरी चीज़ें यहाँ छोड़ के चले, भगवान वो देख लेंगे, वाहिगुरु जी देख लेंगे, और यहाँ से कुछ अच्छी यादें, अच्छी चीज़ें आप सीख करके जाए, तभी आपका यात्रा में आना सफल रहेगा, है ना। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कहीं भी धार्मिक जगह जाएं तो कुछ ना कुछ सीख के अच्छी चीज़ें लेकर के जाएं और बुरी चीज़ें छोड़ करके जाएं। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग लंबा ना हो, ब्लॉग की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।